जी वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कराची के मसाइल पर। कराची के मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कभी बयानात बड़े इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बयानात देते हैं हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है। कभी ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, कभी वसीम अख्तर साहब रोने की एक्टिंग करते हैं। तो कराची माशी हब है, जिस मैंने इंट्रो में भी कहा, दोबारा कह रहा हूँ, माशी हब है। तो इस तरह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इशू क्या है और इन मसाइल का हल क्या है, इन इशूज पे बात करने के लिए मैंने मेरे साथ ब्रेक पे जाने से पहले और अब दोबारा मेरे साथ मौजूद है सीनेटर निकहत मिर्ज़ा साहब। आज सीनियर सियासतदान है, एमक्यूएम पाकिस्तान की रहनुमा है और सेनेट में नुमाइंदगी कर रही है एमक्यूएम पाकिस्तान की। सीनेटर साहब, हम बात कर रहे थे कराची की और जो मिसाइल है उनकी बात कर रहे थे। ये 18वीं तरमीम, ये पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि 18वीं तरमीम सब मिसाइल का हल है, वफाकी हुकूमत समझती है कि बहुत सारे मिसाइल के हल में रुकावट ही 18वीं तरमीम है, आपको क्या कहना है इस पर? देखिए, अगर आप काम करना चाहते हैं, विफाक काम करना चाहती है, सुबह नाराजगी से आमादा है, जिद से हठधर्मी से आमादा है, तो विफाक कैसे आरसी बंद कर सकता है? क्या विफाक की हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद तक मौजूद है और इसके अलावा विफाक का कोई हल नहीं है? विफाक पंजाब में तो पूरी तरह मुदाखलत किए हुए, केपीके में पूरी तरह मुदाखलत किए हुए, लेकिन वो सिंध के हालात को ठीक नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? उन्हें चाहिए कि वहाँ के लिए वो बाकायदा एक फंड जारी करें और अपने तौर से अपनी निगरानी में वहाँ काम करें। नहीं तो सेनेटर साहब, वहाँ पर तो उनकी अपनी हुकूमतें हैं, पीपल्स पार्टी शोइंग चाइल्ड शो कर देती है कि हमारे मामला में मुदाखलत की जा रही है। देखिए, जब पैसा आ रहा होगा, काम हो रहा होगा, तो उन्हें क्या फिक्र है? क्योंकि वो सब रहते तो कराची में, सब मजे तो कराची में करते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो वहाँ की तमाम चीजों से, आसाइशों से फायदा उठाते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे अच्छे इलाकों में रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि वो जो हमारा डिफेंस का एरिया है, वो कंटोनमेंट एरिया है, और इस दफा वहाँ भी घरों में पानी गया है, वो किसी मेयर वेयर के हिस्से में नहीं आता। मैंने कहा था मेयर के हिस्से में तो 33% इलाका है, बाकी सब तो मुख्तलिफ, वहाँ पे कुछ अस्करी फोर्सेज हैं, कुछ और हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनके तहत चलता है कराची। तो ये तो सबको एक प्लेटफॉर्म पे बैठना होगा, ये विफाक ही कर सकता है जब सूबा अपनी जिम्मेदारियों से बड़ी जिम्मा, उनके अंदरूने सिंध तो वैसे ही मुश्किल खड़ी हुई है, वो पूरे पानी में डूबे हुए। असल मसला ये की कराची को इसलिए हदफ बनाया जाता है, कराची के लिए इसलिए बात की जाती है कि कराची में काम होता है, उस काम की वजह से पाकिस्तान चलता है। जब कराची में इतनी ज्यादा बदइंसानी होगी, जब लोग बाहर नहीं निकल सकेंगे, जब लोग घरों में बैठ जाएंगे और जब पानी हर तरफ फैल जाएगा और ऑफिस में भी दाखिल हो जाएगा, घरों में भी, और बंद टूटने लगेंगे और नदियां जो है वो बाहर निकल आएंगे ओवरफ्लो होके, तो फिर उसको देखना पड़ेगा ना, देखेगा कौन? अगर सूबा हठधर्मी से आमादा है, मेरी समझ में नहीं आता कितने कितने काबिल लोग हैं, किसी के दिल में दर्द नहीं है, कोई नहीं सोचता। बिलावल भुट्टो एक यंग क्यादत है, उन्हें कम अज कम इतना तो सोचना चाहिए कि भाई क्यों नहीं, वो भी तो कराची में रहते हैं, क्यों नहीं करते ये लोग काम? उनको कैसे पता चलेगा? सेंटर से जहाजों में जाने वाले लोग हैं, वो बाहर उनके खाना, उनके गार्ड्स लेकर आते हैं, उनके नौकर लेकर आते हैं, उनको क्या अंदाजा कि बाहर क्या है? इसके अलावा देखिए, ये कोई वो बात नहीं है कि आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो मौजूदा हमारी हुकूमत है, उसने तो जो एहतसाब के नारे के पीछे अपने 2 साल बर्बाद किए हैं, ये बर्बादी कहूंगी मैं, कुछ नहीं होना। पहले सागदार को ला रहे थे, उसको लेने आए, अब नवाज शरीफ के पीछे लग गए। अच्छा, फिर ये चंद लोगों का काम होता है ना, वो अदालती मुकदमा निमता है, नैब निमता है, पूरी क्यादत एक ही तरफ लगी हुई है, हर बयान उसी के मुतालिक है। भाई, पूरे पाकिस्तान को देखो क्या हो रहा है। आज हयातबाद में BRT बस जो है पेशावर की, उसमें आग लगी है, अभी परसों तरसों वो खड़ी हो गई थी 2 बसें, तो मतलब कौन देखेगा ये सब चीजें? सब मतलब ये तो मसला है, हल क्या है? अलग एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाए या आपके ख्याल में बाय इख्तियार मेयर लगाए जाए, इसका हल क्या है? कराची को कौन सा मॉडल पे जो है वो रखा जाए ताकि मिसाइल को जो है वो हल किया जा सके, क्या किया जाना चाहिए? आप देखिए, कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, 33% कराची के अलावा, कराची जिन जिन लोगों के हाथों में कंटोनमेंट है, दूसरी अस्करी कुवतें हैं, जो कुछ भी है, इन सबको एक टेबल पर बिठा के बहुत सुकून के साथ इन मामलात को हल करने की जरूरत है। ये किसी से भी, ना किसी मेयर से हल होंगे, ना किसी वजीर आला से हल होंगे, जब तक विफाक इस मामले में मुदाखलत करके विफाक अपनी ताकत का मुशायरा नहीं करेगा इस सिलसिले में,
कि ये काम हो नहीं, तो वफाद की कौन सी ताकत का मुजाहरा करे, गवर्नर राज लगाए वहाँ पे क्या करे, आपको पता है टारगेट अमीन के आगे फिर उन्हें लग जाते हैं ये बाकी जो पीपल्स पार्टी वाले। नहीं, मैं तो हर चीज का हल मैं बातचीत से चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ बैठे टेबल पर, 10 दफा बैठना पड़े, 20 दफा बैठना पड़े, बैठे और एक मुत्तफिका फैसले के तहत वहाँ के सनअतकार और ताजिरों को भी इन्वॉल्व किया जाए, बासर आवाम के बासर नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए, जो मुख्तलिफ लोग जो है काम कर रहे होते हैं शहर में, तो ये सारे लोग मिलजुल के मसाइल को हल करें। जो हमारे यहाँ इस तरह के लोग हैं जो वेलफेयर सोसाइटीज चलाते हैं और जो हुकूमतें नहीं करती जिस वक्त काम, तो वो आगे बढ़ती कर रहे होते हैं। आज भी आपने देखा ना, मैं यही पूछना चाह रहा था, मगर मेरा अगला सवाल यही था कि अगर जब भी हम देखते हैं कराची में जब फलाई दायरे आते हैं तो काम नजर आता है, जब फैसल रिदी साहब या दोस्ता रिदी मरू जब जाते थे तो काम होता हुआ नजर आता था, खिदमत फाउंडेशन में किस किस का नाम, नाम किसी को नहीं लेना चाहिए, बहरहाल जो फलाई दायरा आता है काम नजर आता है, लेकिन जब पोलिटिकल पार्टी जाती है तो काम उल्टा खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मसला तो पॉलिटिकल पार्टीज में है, मसला ये भी कि कराची के मसले हल नहीं हो सकते, मसला तो इन पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स में है। एमसीएम के नुमाइंदों ने चाहे वो फारूक सरकार का दौर हो बे इंतहा काम किया। एमसीएम की एक खसूसियत ये रही है, ये नहीं की मेरी पार्टी, मैं बहुत आम सी बात कर रही हूँ, ये सब जानते हैं की एमसीएम वाले जहाँ से जीतते अपने इलाकों में रहते हैं, उनको पकड़ना, उनको अपनी बात पहुँचाना पहुँचाना बड़ा आसान होता है। हम वो नहीं है कि हम जीते हैं गुलबहार से और रहते हैं डिफेंस में और नजर नहीं आते। यहाँ तहरीक इंसाफ के कैडर के साथ यही हुआ है कि जो मुंतखब हुए हैं उनके नाम तक कोई नहीं जानता, उनकी शक्लें कोई नहीं जानता, वो आते नहीं है कभी इलाकों में। कितनी दफा इन लोगों से मैंने कहा ये मिले तो भाई इलाकों में जाओ तो सही, तुम लोग जीत गए हो तो जाहिर है क्या वो जीत जैसी थी सबको पता है, क्या कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से कोई फायदा नहीं होगा। आवाम को उनकी वोट की ताकत का इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए और उसको करने का मौका देना चाहिए। बात आती है कि आवाम तो जो भी करेंगे जाहिर है कि अपने फायदे के लिए, अब इतने ठोकरे खाने के बाद भी लोग नहीं सुधरेंगे क्या? अब आवाम को बहुत अकल है, उनको उनके वोट का हक इस्तेमाल करने दें और उनके बीच में नहीं पड़े, वो जिस क्यादत को लाना चाहें उस क्यादत को लाएं। ये जो बीच में हमारे यहाँ होता है ना कि अपनी पसंद और मर्जी और इंजीनियर इलेक्शन ये बंद हो जाने चाहिए, बहुत बर्बादी हो चुकी पाकिस्तान में, पहले दर्द आने चाहिए सामने, उनको पाकिस्तान का दर्द महसूस होना चाहिए, ये कोई हल नहीं है। आपका सेंटर सर, जब आप दर्द की बात करती है तो हमें नजर आता है कि पाकिस्तान में कोई भी मसला हो तो फौज के जवान ही हमें हर जगह नजर आते हैं, कराची में मसला हो इंडिया में के जो पाक फौज के जवान है वो पहुंच जाते हैं, कोई इशू है एक फौज कहाँ का है, चाहे बॉर्डर की सिक्योरिटी करे या पानी निकाले सैलाब को रोके, ये अब टिड्डी दिल के हमले को रोके, कोरोना वायरस को रोके, रोके किस चीज को, आप इंगेज कर रहे हैं, आपकी जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें हमेशा जो है वो मिसाइल नजर आते हैं, तो फिर उनको हर जगह जाना होता है, हर जगह जो है हमारी फौज खड़ी भी होती है और फिर जब कोई मुतनाजा मसला होता है तो फौज को मुतनाजा भी बनाने की कोशिश की जाती है, खुद भी कोशिश भी लोग करते हैं जी, दुनिया की बेहतरीन फौज है हमारी फौज, बिल्कुल जिसने कभी आवाम के मसाइल से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश नहीं की, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो जलजला हो, वो चाहे बारिशें हो, बारिश का पानी निकालना हो, कहीं दुनिया में इस तरह नहीं होता कि हर जगह फौज इस्तेमाल। तो सेक्रेटरी साहब, हमने भी देखा है कि जलजला है, लोगों ने फंड भेजे और यहाँ पे आके लोग इधर उधर कर गए। जी हाँ जी हाँ, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हम किसी अच्छे हाथ को तलाश भी नहीं कर सकते, हुकूमतों की इतनी हुकूमतें नाबीना हो चुकी होती हैं कि उन्हें अच्छे लोग अच्छे इदारे कुछ भी नजर नहीं आता, जो भी हुकूमतों में किसी एक को नहीं कह रही, लेकिन यहाँ तो आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। और बात सारी ये है कि जो अदालतें फैसला दे रही है उसके अमल दरामद भी नहीं हो पाता, ये भी बहुत इशू है। दूसरी बच्चे कितने बड़े बड़े मुकदमा अदालतों में मेरे समाते हैं, वो बरसों हो गए, लोग उन मुकदमात को भूल भी जाते हैं जब कभी, यानी ये तो बड़े मुकदमा के तो फैसले ही नहीं आते जो रियासी से सतह पे हों या किसी पे भी, अब नैब पर होंगे भाई लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, भाई जब तक के उनसे इल्जाम साबित नहीं हो जाए उन्हें आप कैसे कर सकते, मतलब एक अजीब पागलपन मचा हुआ है, समझ में नहीं आता। आप ये समझती है सारी कहानी जो है वो उसका खुलासा ये है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स है उनको टेबल में बिठाना चाहिए, डायलॉग के जरिए ही कराची के मसाइल का हल मुमकिन है। देखिए हर शख्स को खास तौर से जो लोग मुतासिर हैं, सबसे ज्यादा मुतासिर अगर वहाँ हो रहे हैं तो आवाम है, सनअतकार और ताजिर है, चाहे वो छोटा ताजिर हो चाहे वो बड़ा ताजिर हो,
देखिए जब तक एक मेज पे बैठ के फैसले नहीं होंगे, जिनके ऊपर जर्ब पड़ रही है, जो उससे मुतासिर हो रहे हैं डायरेक्ट, आप उनको तो बिठाइए ना। ये जो बाहर बाहर से लोग इकट्ठे करके आप टेबल पे इकट्ठे होती रहती है, वो अपनी कह रहा है, वो अपनी कह रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है सैंडी साहब, बड़ा बनना चाहिए। जी सर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल में गुफ्तगू की कराची के इश्यूज पर। मैं आपको इतना मशकूर हूँ कि आपने खसूसी वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए और बहुत डिटेल में आपने कराची के मसाइल और उनके हल पर भी गुफ्तगू की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी आपने सेनेटर निगत मिर्जा साहिबा की बात सुनी। जो बात खत्म करने से पहले एक चीज को मैं कनेक्ट करता चलूं कि हर जगह जो है वो हम फौज के जवान हमें नजर आते हैं, कहीं बारिश हो रही हो तो फौज के जवानों को भेज दो, सैलाब आ गया फौज को भेज दो, टिड्डी दिल ने हमला कर दिया फौज जाए, कोरोना वायरस फौज जाए, एक फौज बॉर्डर संभाले, इंटरनल सिक्योरिटी संभाले, टिड्डी दिल संभाले, कोरोना वायरस संभाले या कराची के पानी को निकाले। बात यह कि इस बर्डन को अब कम करना पड़ेगा और जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको भी अब जिम्मेदारी का जो है वो मुजाहरा करना पड़ेगा। और इस इशू पे ही बात करने के लिए कराची में बारिशों के सिलसिले को देखने के लिए और जो तबाही मची बारिशों की वजह से कराची में खसूसी तौर पर, बाकी पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे इशूज हुए, इस वक्त सिंध के नुमाइंदे खसूसी हमारे जेएनएन न्यूज के मीर अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त तक मसाइल का हल कितना मुमकिन हो चुका है, क्योंकि एनडीए में वहां मौजूद है, सिंध गवर्नमेंट वहां पे काम कर रही है, तो सूरत हाल क्या है। प्रोड्यूसर साहब है मीर अली साहब हमारे साथ, मीर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आवाज आ रही मेरी? जी मीर अली आपको आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, जी जी बिल्कुल आ रहे सर जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपके वक्त, ये बताइए जरा अपडेट कीजिए कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि चले हमने वो गया बुटो साहब की बात को जरा मान लेते हैं कि ज्यादा बारिश होती है तो जाहिर सी बात है ज्यादा पानी आता है, तो अब तो ज्यादा पानी आ गया है, लेकिन अब सूरत हाल क्या है, क्या कोई पानी वगैरह निकाला जा चुका है या वो प्रोसेस शुरू हो चुका है या अब तक पानी जो है बहुत जगह मौजूद है? जी बिल्कुल सर, मैं आपको बता चलूं कि कराची में होने वाले बारिशों ने जो है वो तबाही मचा दी है, तेज बारिशों ने जल थल एक कर दिया है, जिसके वजह से लोग जो है घरों तक महसूर होकर रह गए हैं। कराची, हैदराबाद, दातू, खैरपुर, नातनशाह में होने वाले बारिशों ने जो है वो तबाही मचा दी। अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है बड़ी बड़ी दावाएं की जा रही हैं कि हमने जो है वहाँ इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी है, मगर अफसोस की बात है कि यहाँ निजी जो इदारे हैं, एडी है, ये अल खिदमत फाउंडेशन है और दीगर जो इदारे हैं वो इमदादी पाक फौज के जवान है, रेंडर्स के जवान जी, जो एनडीए में है, जो फौज के जवान है वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं सिंध के कराची में पानी के मिसाइल कॉल करने के लिए। मेरी आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी सर, आप भी आ रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एनडीए में के या पाक फौज के जो जवान है उनके आने से कोई फर्क पड़ा है? जाहिर सी बात है वो पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब कोई फर्क पड़ा है, कोई मिसाइल में कमी आई है या मिसाइल बदस्तूर वही मौजूद है जहाँ से पहले मौजूद थे? देखिए सर, सुल्तान कुछ इस तरह है कि पहले जो काम चल रहा था वो बिल्कुल स्लो चल रहा था, पाक फौज और रेंजर्स के जवानों के आने के बाद जो इमदादी कार्रवाई है उसमें जो है तेजी में आ रहा है और पानी की निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत जो कि बिलावल भुट्टो साहब बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वजीर अला सिंध जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जो है कराची हमारा शहर है, इतने टाइम से पीपुल पार्टी जो है उनका यहाँ गवर्नमेंट है, मगर नदी नालों में तुगयानी है, लोग बेयारों मददगार है, घरों में जो है महसूर होकर रहे, जहरीलो ख्वार हो गए, मगर सूरत हाल इस तरह है कि पानी निकल रहा है, वो पाक फौज और दीगर जो इदारे हैं, जो फलाई इदारे हैं, जो फलाई इदारे हैं, जिस साहब के इदारे हैं और दीगर इदारे हैं वो निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेरे लिए जरा और भी जरा मुफसिल में अपडेट कीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, कि कराची के अलावा अगर हम बात करें हैदराबाद में, मीरपुर में, बाकी जो शहर है किराया सिंध के, वहां पे क्या सूरत हाल है, वहां भी बारिश का पानी है या वहां पे सूरत हाल नॉर्मल है, सिर्फ कराची में पानी ज्यादा है? देखिए सर, कराची समेत जो है सिंध के मुख्तलिफ अजला हैं जिसमें हैदराबाद, दादू, खैरपुर, नातनशाह, जूही, मीरपुर खास और दीगर अजला हैं, उनमें जो है बारिशों ने तबाही मचा दी है, लोग जो है बेयारो मददगार वहां खड़े हुए हैं कि कोई आए खुदारा हमारी मदद करे, मगर अफसोस की बात है कि
सिवाय पाक फौज रेंजर के और दीगर जो निजी इदारे हैं वो ही काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग जो फंसे हुए हैं घरों तक मैसूर हैं उनको जो है जो शहर जो है देहातों से जो है यहाँ पक्के के इलाके में लेके आए। मगर सिंध हुकूमत की जो जो अपना वज़रा है वो सिर्फ फोटो स्टेशन तक जो है वो महदूद होकर रह गए हैं। जो अमली बात है सर अमली इकदाम के, मगर अमली इकदाम सिंध हुकूमत की जानिब से नहीं किया जा रहा। जो कर रहे वही काम कर रहे हैं, लोग भी इस वक्त बेयारों मददगार जो है वहाँ जो है खड़े हुए हैं कि कोई आए हमारा मदद करे। फिलहाल भी जो जो बारिश हुई थी बहुत ही जबरदस्त बड़ी तादाद बारिश हुई थी जिसमें लोग जो है वो बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, वो बेयारों मदद बारिश ज्यादा हुई है जिसकी वजह से बहुत मिसाइल भी जो है वो सामने आए और सिंध हुकूमत की जो है वो कारकर्दगी सामने नजर नहीं आ रही। मेरे लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त का नजर हमने गुफ्तगू सुनी। हमारे मेहमानों की बात यह है कि कराची हो या सिंध हो या बलूचिस्तान हो या पंजाब हो कोई भी जिला हो, इस वक्त इशूज जो है वो नजर आ रहे हैं और इस वक्त बगैर किसी इख्तलाफ के मेरे ख्याल से जहां जहां इशूज हैं जो कि सोशल इशूज हैं और बहुत सीरियस इशूज है, जैसे कराची में पानी वगैरह का इशू है, तो इसको जो है वो मुश्तरका तौर पर डायलॉग के जरिए ही हल करना चाहिए और बजाय इसके कि फौज को आज इंगेज किया जाए, कुछ चीजें कुछ बर्डन जो है पॉलिटिकल लीडरशिप को भी अपने कंधों पर लेना पड़ेगा, नहीं तो हालात शायद उनके हाथ से निकल जाए और फिर मसाइल जो है कुछ उस तरफ बढ़ जाए कि फिर मसाइल का हल नहीं मुमकिन ना हो। तो जब भी कोई फलाई इदारे जाते हैं काम को काम करने के लिए मसाइल को हल करने के लिए तो बड़े एक्टिव नजर आते हैं, काम होता हुआ नजर आता है, लेकिन जब पोलिटिकल पार्टी जो है इंटरफेयर करती है तो इल्जाम भी लगते हैं एक दूसरे पर और कभी इख्तियारात का ना होने का रोना तो कभी कोई और होना कभी कोई और होना। बात यह कि कराची पाकिस्तान का माशी हब है, पाकिस्तान का माशी शहरक है, कराची के मसाइल हल होंगे तो ही पाकिस्तान का जो माशी पहिया है वो जरा तेजी से जो है वो आगे बढ़ेगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह से मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बहते झरनों